नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, ये बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। पहले कह रहे थे कि 45,000 उम्मीदवारों को विकल्प मांगा जाएगा, उनको डीवी में बुलाया जाएगा, लेकिन अभी अभी हाल ही में खबर आई है कि 56,000 उम्मीदवारों से डीवी मांगा गया है। मानो डीवी 56,000 उम्मीदवारों का होगा। और स्टूडेंट, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैंने कट ऑफ बताई थी डीवी की भी और फाइनल कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट वही रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और फॉर्म आ रहे थे कि सर आपने बहुत कम कट ऑफ बताई है। तो देख ले बच्चों, 56,000 उम्मीदवारों में बहुत कम नंबर पे आपकी कट ऑफ जाने वाली है। क्या कुछ मामला है, सारी जानकारी इस फाइल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। आज के अखबार की कटिंग में आप देख पा रहे हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप बी सीईटी पास लगभग 56,000 उम्मीदवारों से मांगे का विकल्प। एनटीएम आयोग के पास विस्तृत रिजल्ट, दिव्यांग और ईएसएम कैटेगरी के सभी पास आवेदक शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अच्छा, ये एक और खुशखबरी है, जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं और जिनका ग्रुप डी का था, और ईएसएम वाले कंप्लीट जितने भी बच्चे हैं सब बच्चों का डीवी आने वाला है। और उसके अलावा यहाँ पे जान लेते हैं क्या कुछ कहा है। यहाँ पे बताया गया है माननीय कर्मचारी खदरी साहब के द्वारा, इसमें क्या कहा गया है कि हरियाणा कर्मचारी ग्रुप डी सीटी पास उम्मीदवारों में से लगभग 56,000 के यहाँ पे मांगे हैं, आप देख सकते हैं। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विस्तृत रिजल्ट आयोग के पास भेज दिया है। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खदरी ने दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि विस्तृत रिजल्ट ग्रुप डी के 13,657 करीब करीब 14,000 के 4 गुना बच्चों को यहां पर बुलाया जा रहा है और उनसे विकल्प मांगा जाएगा। अगले हफ्ता में एक पोर्टल खुलेगा और उसमें पूछा जाएगा कि आप ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आपने उसमें मना कर दिया स्टूडेंट, तो वहां पे आपका पोर्टल तुरंत बंद हो जाएगा। अगर यस किया तो फिर उसमें आपका पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह वो आपसे पूछेगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या कहा है, शॉर्ट लिस्टेड वे 4 गुना उम्मीदवार विकल्प भर सकेंगे। भोपाल सिंह खदरी जी ने बताया कि ग्रुप डी के पदों का विज्ञापन भी अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। विकल्प में पूछा जाएगा कि ग्रुप डी की पोस्ट पर चयनित इच्छुक है या नहीं है। ये सब मामला इसमें है, वो आप देख पा रहे होंगे। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या बताइए स्टूडेंट, मैं आपको जानकारी इसमें आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरे ये यहाँ पे अभी 13,657 पद, मगर आगे भी इसी सीईटी से भरे जाएंगे। अध्यक्ष जी ने कहा, गोपाल सिंह खदरी जी ने कहा कि जो अभी हाल ही में ग्रुप डी के जो 13,657 पद है, ये इस पेपर से तो भरे भरे जाएंगे। और आज भी जैसे कोई संभावना है कि 8 से 9 हजार वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी की, तो वे भी इसी में से सिलेक्टेड होंगे बच्चों, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ग्रुप डी का जो पेपर है वो 3 साल तक के लिए वैलिड है, वो क्वालिफाइड माना जाएगा। तो ये बच्चों के लिए खुशखबरी थी। और इसमें दिया है कि दिव्यांग ईएसएम कैटेगरी सब कैटेगरी के सभी पास उम्मीदवार शॉर्ट लिस्टिंग कर लिए गए हैं। तो जिनके भी 40% रैंक थी वो सब शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं स्टूडेंट। और आपका एक हफ्ते में आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों के 5 नंबर मिलने थे सोशियो इकोनॉमिक के और उनको नहीं मिले हैं, तो एचएसएससी में अभी चले जाए, कोई बात नहीं, 300, 400, 500 रुपए आपके लग जाएंगे, लेकिन आपका क्लेम हो जाएगा। और वहां से जाके अपनी एक एप्लीकेशन लिखना, ऊपर साइड पेपर ले लेना, और अपनी एप्लीकेशन लेकर वहां से अपना नंबर ले लेना, क्योंकि आगे भविष्य में आपके काम आ सकता है। ठीक है, मिल जाएंगे और लिंक भी ओपन होगा। अगर उस लिंक के थ्रू आप वहां पे क्लेम कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, अलग से कुछ वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा, जो पहले से है उसी में करेक्शन हो सकता है बस। तो जल्दी आपका डीवी के लिए 95 नंबर में से आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा एक जानकारी और थी स्टूडेंट, इसमें बोला गया था कि जो ग्रुप डी के बच्चे हैं वो 100 नंबर में से आएगा रिजल्ट, 95 में से आएगा। तो 31 तारीख की यहाँ पे हियरिंग है, तो उसमें
मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जाएगा, बच्चों का रिजल्ट 100 नंबर में से ही आएगा जो फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट ठीक है, यही जानकारी आपको देनी थी। ऐसी सटीक और सही समय पर विश्वसनीय जानकारी देने के लिए आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन, हमारे आने वाले वीडियो का पता आपको लग जाता है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।